तो गाइस किस तरीके से आप लोग भी जो है इस टाइप की लिरिक्स वाली वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो वो भी एम सिस्टम के गानों में, तो आप लोग आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग जो वीडियो कंप्लीट वॉच करना, बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आप लोग यहां पे कैपकट ऐप को ओपन कर लेना गाइस, ठीक है। एंड इसमें जो वीपीएन वगैरह सब कुछ आपको ऑन रख लेना है। एंड जैसे आप वहाँ पर कैपकट ऐप को ओपन करोगे तो गाइस आपको सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको स्टॉक वीडियोज़ पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से जो आप सभी को एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली एकदम फ्री मिल जाएगा, तो आप लोग इसको ऐड कर लेना। एंड उसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ से जो है मतलब इसका फ्रेम जो है वो 9:16 रख लेना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को करना क्या है, आपको जो वाटर मार्क है वो डिलीट कर देना है। एंड इसकी जो लेंथ है आपको अपनी ऑडियो के हिसाब से यहाँ पर रख लेना है। एंड ऑडियो अगर आप ये वाला यूज़ करना चाहो जो मैं आज यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो अभी जो है मैं ऑडियो ऐड कर लेता हूँ। एंड उसके बाद हम यहाँ पे प्ले करेंगे गाइस गाने को। एंड जा के देखेंगे कि म्यूज़िक जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एंड वहाँ का जो बेस्ट पार्ट है हम यहाँ से ट्रिम करके उसको रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है बेस्ट पार्ट मेरे को लग रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा स्प्लिट करूँगा, बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को जहाँ पे मतलब कि जो प्ले करके देख लेना है कि वो अच्छे से यहाँ पे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप गाइस बात करते हैं कि आपको एनिमेशन जो है कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना है कि आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। एंड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को म्यूज़िक को जो एकदम ध्यान से सुनना है। एंड वर्ड्स पे ध्यान देना है कि वो वर्ड्स में जो है क्या कह रहा है सिंगर, ठीक है। तो आप लोग को जो है उस गाने को यहाँ पे ऐड करना है, उसका वर्ड सुनना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड में जो है यहाँ पे ये बोल रहा है कि ठीक है, यहाँ पे जो है वर्ड जो भी होगा मतलब कि अभी मैं यहाँ पे टाइप करता रहूँगा और आप लोग देखते रहना, ठीक है, साथ के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसको टाइप किया गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया। अभी गाइस देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ ये टाइप करके और स्प्लिट करके ही मतलब यहाँ तक वीडियो नहीं है, वीडियो भी बहुत लंबी है, मतलब कि इतनी लंबी नहीं है, आपने टाइम देख लिया होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है मतलब कि एनिमेशन वगैरह कैसे ऐड करना है, कहाँ कहाँ पे एनिमेशन ऐड करना है, ये सब भी देखना होगा आप सभी को। तो आप लोग ध्यान से देखते रहना। तो यहाँ पे जो है हम वीडियो में जो नेक्स्ट वर्ड है उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कर लिया। एंड भाई गाइस जहाँ पे वर्ड ख़त्म हो रहा है वहाँ पे जो है हम वीडियो को स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। सो यहाँ पे स्प्लिट ऑल ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे प्ले करके पहले चेक कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। कोई भी वर्ड जो है आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस गए हैं इसमें, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो परफेक्ट है। अब इसको हम प्ले करेंगे। यहाँ पे भी हमने चेंज कर लिया गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्ले भी कर लिया। अब यहाँ पे देखिए अब क्या है ना गाइस कि यहाँ पे जो है मेरे को थोड़ी सी वीडियो को फास्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज गाइस अगर यहाँ पे मैं वीडियो को स्लो रखूँगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे एंड आप लोग समझ कुछ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। बाकी गाइस वीडियो तो मैंने फास्ट कर दी है। बाकी गाइस आप लोग जब तक वीडियो को देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि गाइस आप लोगों को जो है मैं इसी तरीके की वीडियोस लाके देता रहूँ और मेरा मोटिवेशन तो बढ़ता रहे। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बाकी यहाँ पर हमारा जब तक हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि गाइस आपका जो है हर सॉन्ग में अलग एनिमेशन बनाने के लिए आपको ये ट्रिक यूज़ करनी है। एक गाने पर आप सेम यही ट्रिक अप्लाई मत कर देना, ठीक है। आप सोचो कि मतलब यही टेक्स्ट होंगे सब गानों में, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड बाकी देखिए यहाँ पे हमारा इतना काम हो चुका है। अब देखिए इसके बाद आप लोग को फिर क्या करना है। तो ये थोड़ा सा रहता है तो अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होंगे, जैसे मतलब कि म्यूज़िक हमने जितना चाहिए था हमने उतना किया, ठीक है। बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उन सभी को आपको ट्रिम करके एंड जहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन चीज़ जो आती है अभी हम इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। एक बार सेव भी करना है इसे। तो जब इतना काम हो जाएगा आपको सेव कर लेना है। एंड सेव कर लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, दोबारा से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो अब हम पहले डन करते हैं। अब न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको उसी वीडियो को वापस से ऐड करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग को जो है अपने डबल फिंगर से इसको थोड़ा सा जूम आउट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद जब आप इतना कर लोगे तो आप लोगों को जो है देखना है कि आपका जो वर्ड है कहाँ पर शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। वहाँ जहाँ पर जो वर्ड ख़त्म होगा वहाँ से आपको वीडियो को स्प्लिट कर देना है, जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे एक स्प्लिट हो रहा है, फिर इस म्यूज़िक के इस वर्ड के बाद जो है यहाँ पे स्प्लिट करना है, ठीक है। अब देखिए वर्ड जैसे ख़त्म होते हैं वहाँ पे आपको वीडियो को स्प्लिट कर देना है। अब ये गाइस ये मैं क्यों करवा रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये स्प्लिट हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इसमें हम एनिमेशन वगैरह ऐड करेंगे, तो इससे क्या है कि एनिमेशन डालने में ईजी होगा
एंड इस जूम आउट करके इससे और इसीलिए फ़ायदा होगा क्योंकि गाइस अगर हम जब एनिमेशन ऐड करेंगे तो किसी दूसरे लेयर पर क्लिक नहीं हो पाएगा, ठीक है, हमें क्लियर जो है क्लियरली दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं एंड आगे का भी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो हमारा काम खत्म होता है, अब देखिए गाइस बात है एनिमेशन की, तो एनिमेशन पे क्लिक करना आप लोगों को वीडियो पे क्लिक करके, देन आपको करना है कि आपको कॉम्बो में चले जाना है। कॉम्बो में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको जो है ये वाला, ठीक है, ये राइट लेफ्ट वाला ये यूज़ करना है। एंड जैसे आप नेक्स्ट लेयर पे जाओगे तो आपको राइट वाला यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह आपको सभी लेयर पे क्या करना है, लेफ्ट राइट वाला जो है आपको ऑप्शन को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं वीडियो को थोड़ी सी स्पीड में जो है वीडियो की इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि जो है वीडियो में मैं थोड़ा मतलब कि आगे तक आपको ज़्यादा बता पाऊँ। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा अपना काम हो चुका है, अब जो है गाइस क्या करेंगे, मैं आप लोगों को जो एक फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा वीडियो का कि हमारी वीडियो जो है कैसे एडिट हुई एनिमेशन के साथ। तो यहाँ पे जो एनिमेशन वगैरह था कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। बाकी देखिए गाइस यहाँ पे हमारी वीडियो जो एकदम कम्प्लीट एडिट हो चुकी है, ठीक है। तो आपका मैंने प्ले करके भी दिखा दिया है, तो अब जो क्या करेंगे हम इसको सेव कर लेंगे। बाकी गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी, तो आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।